बर्मिंगम फिनिक्स वर्सेस साउदर्न ब्रेव, ये लड़ाई है थर्ड वर्सेस फोर्थ पोजीशन पे। जो टीम है थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। और अगर बात किया जाए तो दोनों ही टीम तीन मैच खेली है, दो जीती एक हारी है। और यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर करते हैं साउदर्न और बर्मिंगम में, तो दोनों में बेटर टीम साउदर्न लगी है, चाहे वो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये जस्ट लकी हो गए, वो बार बार नहीं हो सकता है। एक पैसा का लगाना लास्ट मैच में उड़ा के जीता ये टीम। यहाँ पे लास्ट पांच बॉल में 8 रन चाहिए था और माउजली जैसे बॉलर ने डिफेंड कर दिया। तो ये आपको आप सोचिएगा कि माउजली आएगा फिर से वो कारनामा कर देगा, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है मेरे भाई। तो कौन सी टीम फेवरेट है? फेवरेट बखूबी 70 पैसा यहाँ पे अभी लगी हुई है इस टाइम में जब वीडियो बना रहा हूँ, साउदर्न ब्रेव। मार्केट बोल रहा है 70% साउदर्न ब्रेव जीतेगा, 31% है बर्मिंगम फिनिक्स के साथ। तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट हो जाएगा क्या? एक और स्ट्रेट मैच 70 पैसा जो ओपन फेवरेट है साउदर्न वहाँ से जीत सकती है क्या? देखिए कल फिर से डबल हेडर है, 2/2 मैच है, 7 बजे ये मैच खेला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है द 100 में कि मैक्सिमम मैचेस जो ओपन फेवरेट टीम है वही जीत रही है। एक आत ये जो लगाना उतरा जब जीती ये बर्मिंगम फिनिक्स, तो अगला दोनों मैच डबल हेडर यहाँ पे आपको स्ट्रेट उतर चुका था, 70 पैसा खुला वहाँ से डेड स्ट्रेट मैच। और दोनों ही में हम लोगों ने टीम पहले ही दे दिया, ऐसा कोई बकचोदी हम लोग नहीं करते कि मैच ख़त्म हो गया और 7 बजे का मैच था तो 9:30 में लिख दिया कि लंदन विनर होगी। 7 बजे अगर मैच स्टार्ट हो रहा है तो 6:55 में ही आपको टीम मिल जाएगा कि हाँ लंदन कल जीती तो लंदन दे दिया, उसके बाद दूसरी टीम हमारी साउदर्न थी साउदर्न जितवा के दिया 10:55 में ही टीम दे के, ठीक है। तो बीच में मैच देखिए कि हाँ 11:30 हो गया, 12 बज गए, अब तो दिख ही रहा है ये टीम जीत जाएगी, तो वैसा काम नहीं। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है कन्फ्यूजन से दूर रहना, और ये होता है रिपोर्ट मेरे भाई। आपको यही अगर रिपोर्ट चाहिए कल के दोनों मैच का, तो दोनों मैच ये बढ़िया होगा, खेलने लायक होगा, कमाने वाला होगा, पंटर फ्रेंडली होगा, ठीक है। मैच जो है एजबेस्टन बर्मिंगम में, जो कि इनका होम ग्राउंड है। पिच कैसा है सब बात करेंगे A to Z डिटेल में। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो मैच और सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, वैसे ही चलेगा। ज्वाइन कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? तो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको स्कैन करिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। 7428525767 मैच और सेशन के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही खोलिएगा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए, दूसरा वे है वो, ठीक है। बाकी फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मैच और सेशन नेक्स्ट लेवल चल रहा है, लगातार में पास चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं अगर एंट्री नहीं आ रही जिस मैच में तो नहीं दिया जा रहा है, जैसा जहां से एंट्री दे रहा वहां से टीम अपनी उतर रही है। जो सेशन आज भी दिया 4/4 सेशन इस मैच में पास करवा के दिया है, तो नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है। आपको बस जुड़ना है, फॉलो करना है और कमाना है और निकलना है, बुकी को बर्बाद करना है। अगर आपसे नहीं हुआ बर्बाद तो हम बर्बाद करके देंगे उसे, ठीक है। आपका जितना रिकवरी करवा सकते हैं सब रिकवर करवा के प्रॉफिट में ला के देंगे, बस फॉलो करते जाइए, ठीक है। 19 डिग्री का टेम्परेचर, चांस ऑफ रेन, निगेटिव ह्यूमिडिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। दिन का मैच होने वाला है, सर्फेस में इवन बाउंस है और अच्छा सर्फेस है बैटिंग के लिए। देखिए 98 मैचेस, 54 बार फर्स्ट बैट, 43 बार सेकेंड बैट, एक मैच टाई रहा है, एवरेज 160, यानी ये 8 का रन रेट एवरेज स्कोरिंग वेन्यू दिख रहा है मुझे T20 पॉइंट ऑफ व्यू से। 242 हाईएस्ट है वार्विक शायर का, लोएस्ट प्यूनी का है 63/10, 150 से नीचे देखिए 129 times 150 to 161 31 बार, 172 to 115 बार, और वो 190 भी 23 बार लगे, जो कि खराब बिल्कुल भी नहीं है। अगेन अच्छा बैटिंग सर्फेस की तरफ ये इंडिकेशन दे रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं अच्छा सर्फेस होता तो बर्मिंगम फिनिक्स 185 तक पहुँचती ही नहीं है, लास्ट ईयर का ही बात है। ओवल इनविंसिबल जैसी टीम को, जो लास्ट ईयर की फेवरेट टीम थी और जीती हुई थी खिताब, उसको हराई थी। 5 में से 5 विकेट पेसर्स ने निकाला, 10 में से 7 विकेट पेसर्स, 3 विकेट स्पिनर्स, फिर 160 भी लगा बर्मिंगम ने ही मारा, 8 विकेट जो गिरा 8 पेसर्स और 10 में से 9 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स। तो पेसर्स काफ़ी डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, हमको क्लियर हो रहा है। बाकी देखिए 112 जैसा टारगेट तो भूल जाइए कि यहाँ पे डिफेंड उफेंड होने वाला है, यानी यहाँ पे अगर बर्मिंगम फिनिक्स खेली है लास्ट 3 मैच तो 2 जीती 1 हारी है, और दो तीनों बार में फर्स्ट बैट की है, 2 बार में अच्छा स्कोर लगा तो उसको डिफेंड कराया। तो वही सिस्टम है, जो टीम अगर बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सरफेस ओवरऑल बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए। 112 यहाँ पे देखिए मारी, 7 में से 6 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 4 में से 2 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, 37 विकेट पेसर्स के पास, सिर्फ 6 विकेट है स्पिनर्स के पास। तो बहुत ज़्यादा पेसर्स को यहाँ मदद है, ये तो है। और हेड टू हेड इन दोनों के बीच में 4 मैच हुआ है, और साउदर्न बहुत तगड़ी टीम उभर के आई है, 3 जीती है, 1 ही बर्मिंगम जीती है। अब देखिए होम ग्राउंड में कुछ अलग सीन है, होम ग्राउंड में मुझे लग रहा है कि बर्मिंगम फिनिक्स बहुत डोमिनेट करती है, एक मैच खेली और वो जीती जो है वो यहीं पे जीती अपने होम ग्राउंड पे।
देखिए लास्ट दो मैच यहाँ पे विन विन लॉस है, तो ये लास्ट तीन मैच इस साल का है, वो दो जीत इनके पास है, और यहाँ पे साउदर्न का भी विन है, फिर लॉस है, फिर विन है, तो ये भी तीन में से दो तो जीती है, लेकिन ये बर्मिंगम फिनिक्स बैक टू बैक जीत गया, तो थोड़ा सा इनको एडवांटेज हो रहा है। बाकी दोनों ही टीम का अगर बात किया जाए तो लास्ट पांच में से तीन ही जीत रही है। प्लेइंग 11 देख सकते हैं, तो एनोरिन, डोनाल्ड, बेन डकेट, लियम लिविंगस्टोन, डैन माउजली, मोइन अली, जैकब बेथल, लुइस किम्बर, बेनी हॉवेल, शॉन एबॉट, एडम मिलने और टीम साउदी। तो बॉलिंग इनका ठीक ठाक दिख रहा है, जेम्स मिंस, जेम्स कोल्स, लुइस डेप्लोय, एलेक्स डेविस, लॉरी इवेंस, कारन पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, डैनी ब्रिक्स, अकील हुसैन, क्रेग ओवर्टन और ताइमल मिस। लास्ट मैच में जोफ्रा आर्चर को ECB यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ही रेस्ट करवा दिया था, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। अब देखिए इस मैच में अलाउ करता है कि नहीं करता है, खेलेगा तो और टीम स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7-1-1-11-28, तो ये लास्ट तीन मैच एकदम फॉर्म में ही नहीं है। लिविंगस्टोन 30-4-0-36-54-0-0-2-1-1, ऊपर खिलाया तो बैटिंग ठीक कर रहा था, लेकिन वही है इनका हाल जो है सो है, चलते ही नहीं है कभी। मोइन अली 4-0-1-103-0-0-0-2-2, देखिए बॉलिंग नहीं किया लास्ट तीन मैच में और बैटिंग से भी कुछ खास नहीं निकल रहा है। 21-29-39-14-47-4, ये फॉर्म में, टेस्ट से ही फॉर्म में, तो इनको जरूर पिक करना है। डैन मॉजली 11-39-1-11-0-3-0-0-1-1, ये बॉलिंग भी करता है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके दिया, तो अच्छा ऑप्शन है। लास्ट मैच ये घोड़ा यही उड़वा के दिया, एक लौता ये प्लेयर था। इधर जैकब बेथल 46-43-22-19-50-2-0-1-0-0, बेथल भी एक इग्नोरेंट प्लेयर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हर मैच में 40 के प्लस रन मारा है लास्ट दो मैच से और विकेट भी निकाला है। लुइस किम्बर 12-2-6-21-53, शॉन एवर्ट बैटिंग नहीं 3-4-18-9-0-4-0-2-1, अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उससे पहले देखिए लास्ट मैच से 4 विकेट निकाल के जिताया था मैच, 4-24-24-1-13-1-1-0-0-1, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेनी हॉवेल टीम साउदी का देख सकते हैं 1-2-3, एडम मिले 2-0-0-1-2, तो टीम साउदी हर मैच में विकेट निकाल के जा रहे हैं ऐसा। जेम्स विंस 20-19-56-41-23, ये बड़ा खेल सकता है, कैप्टन सीनिंग वैसा पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में यहाँ पे फिसड्डी हो जा रहा है। बाकी लियोस डेप्लोय भी फॉर्म में आते हुए दिखे हैं 21-1-23-6-73। जेम्स कोल्स का बात किया जाए तो 10-26-26-14-46-1-2-0-0, ये भी ठीक ठाक बैटिंग कर ले रहा है, लास्ट मैच में थोड़ा सा हल्का हो गया और बॉलिंग भी नहीं कराया तो उतना विकेट नहीं मिल पाया, बाकी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है। एलेक्स डेविस का बात है 24-28-1-31-2, लॉरी इवेंस 25-5-1-4-8, ये अच्छी बात है कि ये फॉर्म में आ गए हैं, बाकी मिडिल ऑर्डर को आप संभाल सकते हैं। कारन पोलार्ड का देखें 37-6-33-4-4-0-1-0-0-2-0-2-0, क्रिस जॉर्डन 2-1-2-0-0, क्रेग ओवर्टन 7-42-1-5-5-2-3-0-0-1, इसको तो जरूर पिक करिए, लास्ट दो मैच में 5 विकेट और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा, रन ही नहीं दे रहा है, विकेट निकाल रहा है। 0-0-1-0, अकील हुसैन, डैनी ब्रेक 0-3-2-3-2, ताइमल मिल्स 2-0-2-1-2, इनका ऊपर नीचे होते ही रहता है, एकदम कंसिस्टेंट फॉर्म है नहीं एलेक्स डेविस का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जेम्स विंस, लिविंगस्टोन, क्रिस जॉर्डन, बेनी होवर, डैन माउजली, टीम साउदी, एडम मिलने, शॉन एबॉट, अकील हुसैन और जोफ्रा आर्चर। कैप्टन के लिए बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट से भी इन दोनों को पिक कर सकते हैं, अच्छा बॉलिंग है लास्ट दो मैच में। बाकी ऑलराउंड डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो डैन माउजली बहुत बैट एंड बॉल से कंट्रीब्यूट कर रहा है और बेथल भी उधर से एक अच्छा ऑप्शन है जिसने 46 रन और विकेट भी निकाला है, तो दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन के अपडेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करिए और 7-4-2-8-5-2-5-7-6-7 पे कॉन्टैक्ट करिए मैच और सेशन के लिए। मैच और सेशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए डेमो के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।